तो हेलो गाइस, माइनक्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो फिर आज हम लोग फिर से हैं माइथोलॉजिकल एसएमपी में। आपको कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है? जी हाँ, हम लोग वापस आ चुके अपने पुराने घर में। भाई हम लोग वापस आ चुके हमारे पुराने घर में और हीरो ब्राइन मुझे इधर लेके आया है क्योंकि उससे कर्स्ड हीरो ब्राइन की इधर कुछ तो प्रेजेंस बना, कुछ तो महसूस हो रही है। और फिर जब उसने हमारा ये कैसल देखा तो भाई उसने इसे फिर से ठीक कर दिया। भाई बहुत ही मस्त किया इसे। चलो चलो चल चल चल, हीरो ब्राइन किधर है भरो तू? ओ हीरो ब्राइन, हाँ हेलो जी, हेलो हेलो। प्लीज़ मुझे कुछ बुक एंड क्विल वरना कुछ दे सकते हो क्या प्लीज़, ताकि आप मुझे लीड कर सको। नाइस, मैं इसे बोलता हूँ। वेर कोर्स हीरो ब्राइन, ये ले भाई, ये ले भाई। तू ऐसे नेदरराइट स्वॉर्ड मत निकाल, मुझे बहुत डर सा लगता है भाई। भाई हीरो ब्राइन तू कब से क्या लिख रहा है, देना जल्दी कुछ तो भाई। ओ नाइस भाई, प्लीज़ भाई मैं इससे दूर ही रहता हूँ। कर्स हीरो ब्राइन हैज़न्ट एंटर्ड इन दिस वर्ल्ड बट ही इज़ कमिंग, हिज पावर्स आर एट योर सीक्रेट बेस। भाई उसकी पावर सीक्रेट बेस में, क्या तू मुझे लेके जा सकता है हीरो ब्राइन? ओके नाइस। भाई 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 हमारे सीक्रेट बेस में? ओ नो, मेरे सीक्रेट बेस में क्या कर रहा है भाई ये पागल ही? क्या बोलते हैं, कर्स हीरो ब्राइन की पावर्स। भाई बहुत पुरानी बेस था हमारा ये। ओ माय गॉड भाई, ये क्या है भाई? भाई साहब, ओ माय गॉड भाई, कर्स हीरो ब्राइन ओरिजिन, माय गॉड, हीरो ब्राइन ब्रदर मैनेज टू सर्वाइव। तो फिर इधर ये लिखा है कि हीरो ब्राइन का ब्रदर उससे बच निकला था और फिर वो उसे ठीक करने के लिए बहुत सारे वेज ढूंढ रहा था। डायमंड एम्परर जाने के बाद वो किसी काले जादू के शिकार में आ गया था और वहीं से एक हिस्ट्री क्रिएट हुई थी और वहीं से जन्म होता है हीरो ब्राइन का। और यहां से हीरो ब्राइन माइनक्राफ्ट वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एंटिटी बन जाता है और धीरे धीरे करके उसकी जो शक्तियाँ थी वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। और उसके बाद हीरो ब्राइन को लालच आता है और वो माइनक्राफ्ट के जितने भी वर्ल्ड्स हैं सब पे कब्जा करना शुरू कर देता है। वो जहाँ भी जाता तबाही मचा देता, सारे के सारे विलेज को तबाह कर देता। लेकिन एक बार वो एक ऐसे गांव में पहुंच जाता है जहां वो और उसके भाई दोनों रहते थे और जब वो अपने गांव को, मतलब कि जिसमें उसका भाई रहता था, उस गांव को भी तबाह कर देता है तो उसके भाई को गुस्सा आ जाता है और वो सोचता है कि अब वो हीरो ब्राइन से बदला लेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये लड़ाई खुद के भाई से होने वाली थी। अब इसके बाद दूसरा भाई जो कि हीरो ब्राइन नहीं था, वो पता लगाता है कि हीरो ब्राइन क्या चीज़ है और इसे कैसे मारा जा सकता है। आखिरकार उसे पता चल ही जाता है कि हीरो ब्राइन उसका ही भाई है। तो पहले उसने सोचा था कि वह हीरो ब्राइन को मार देगा, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा तरीका निकाला कि अपने भाई को भी बचा सके और हीरो ब्राइन से भी छुटकारा मिल जाए इस पूरी दुनिया को। तो वो काफी दिनों रिसर्च करता है और उसे पता चल जाता है कि कैसे वो हीरो ब्राइन को, मतलब कि अपने भाई को सही कर सकता है। अब वो चाहता है डायमंड एम्परर ये सब कुछ सही करने के लिए, लेकिन वो भी डायमंड एम्परर के ब्लैक मैजिक के शिकार में आता है और वो बन जाता है कर्स्ड हीरो ब्राइन। और यहां से जन्म होता है एक दूसरे हीरो ब्राइन, कर्स्ड हीरो ब्राइन का। भाई यार कर्स हीरो ब्राइन, भाई हीरो ब्राइन को ठीक करने के चक्कर में भाई मतलब कि क्या बोलता है, वो भी कर्स हीरो ब्राइन बन चुका है यार। तो फिर हीरो ब्राइन दुख हो रहा है ना तो तुझे भाई? अब है यार ठीक है, कोई नहीं। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हीरो ब्राइन ने मुझे और एक मज़ेदार बात बताई है कि कर्स हीरो ब्राइन इस वर्ल्ड में तभी एंटर कर सकता है जब वो मैजिकल पोर्टल ओपन हो और वो इसी जगह पर किधर तो भी है। तो फिर आज हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उस मैजिकल पोर्टल को ढूंढने वाले हैं, ठीक है हीरो ब्राइन? तब तक के लिए बाय बाय।